अध्याय चार, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आज इन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, क्या वर्गीकरण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? यदि हम तत्वों को ही देखें तो किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगा है, जिसका इतिहास काफी रोचक है। 4.1 तत्व तब और अब। दार्शनिक अरस्तु ईसा पूर्व 384 से 322 के अनुसार ब्रह्मांड पांच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691 ने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा उल्लेखित पंच तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विज्ञान की दृष्टि से केवल दो ही प्रकार के पदार्थ शुद्ध होते हैं, तत्व और यौगिक। ये तत्व और यौगिक क्या होते हैं और ये शुद्ध क्यों कहलाते हैं? सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और फिर फ्रांस के रसायनज्ञ एंटनी लॉरेंट लवाइजिए ने तत्व शब्द को प्रतिपादित किया। लवाइजिए के अनुसार पदार्थ का मूल रूप, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, सल्फर, कार्बन इत्यादि। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लवाइजिए के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है, अतः जल तत्व नहीं है। लवाइजिए ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। 4.2 तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों? हम अपने घर में विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणधर्मों तथा उपयोगिता के आधार पर अलग अलग रखते हैं, जैसे पहनने के कपड़ों को अलग तथा बिछाने और ओढ़ने के कपड़ों को अलग। यहाँ तक कि पहनने के कपड़ों में भी ठंड में पहनने वाले कपड़ों को गर्मी में पहनने वाले कपड़ों से अलग रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा, किराना दुकानदार से कोई भी सामान मांगने पर वह उसे आसानी से कैसे दे पाता है? वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के कई प्रयास किए। कक्षा 9वीं में हमने तत्वों की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु भार एटॉमिक वेट तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया है। सारणी 1 में कुछ तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु संख्या दी गई है। उन्हें क बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ख बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। Thank you.
तथा ख के अनुसार व्यवस्थित तत्वों का क्रम एक समान है? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि तत्वों को व्यवस्थित क्यों करते हैं तथा व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। आइए पूर्व में रसायनज्ञों द्वारा किए गए प्रयासों को समझें। तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे। उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों में संबंध होता है। 4.3 डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। जे डब्ल्यू डोबेराइनर 1780 से 1849। जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर ने जर्मनी के म्यूनशबर्ग में औषधिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रैसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा तीन त्रिकों की खोज की, जिससे आगे चलकर तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों जैसे पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा, तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। यहाँ सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के निकट है। इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य हैं। डोबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य के होते हैं। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल तीन त्रिक ही बना सके थे। यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। जैसे ही परमाणु भार के आधार पर तत्वों के गुणधर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने लगे। आवर्त सारणी का इतिहास। हम जानते हैं कि पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। जब तत्वों की खोज हुई तब उनकी सरल तथा सटीक समझ के लिए उचित वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों ने उन्हें वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके अपनाए। उन्होंने तत्वों के गुणों में कुछ नियमितता तथा पैटर्नों को खोजने का प्रयास किया। उनमें सबसे पहले थे जर्मन वैज्ञानिक जोनास वुल्फगैंग डोबेराइनर, जिन्होंने समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए। ये समूह डोबेराइनर के त्रिक कहलाए। यदि हम त्रिक टेबल पर नज़र डालें तब हम देखेंगे कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस प्रकार का वर्गीकरण प्राचीन है। डोबेराइनर ज्ञात तत्वों में से कुछ तत्वों के ही त्रिक बना पाए। अन्य त्रिक इस नियम का पालन नहीं करते थे, इसलिए त्रिक का नियम उपयोगी साबित नहीं हुआ। ऐसा ही एक प्रयास न्यूलैंड्स ने भी किया।